हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो मुझे पता है मैं आज काफ़ी अर्से में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके पास डीएम्स कर रहा था ताकि उनका कोई रिप्लाई आ जाए एंड उनके साथ मैं कोलैब कर सकूँ। सो होपफुली काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएटर का मैसेज भी आ गया एंड बहुत जल्दी मैं उनके साथ कोलैब कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो की बात करते हैं, आज एक सरप्राइज वीडियो होने वाली है। तो बेसिकली मैं आज से 5-6 दिन पहले मार्केट गया था एंड वहाँ पर मैंने एक वेजिटेबल सेलर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था ताकि मैं उसका स्केच बना के उसको सरप्राइज कर सकूँ। सो सबसे पहले हम उसका स्केच बनाएंगे एंड फिर मैं जाऊँगा उसको सरप्राइज करने एंड फिर लास्ट में मैं आपको रिएक्शन दिखाऊँगा उसका क्या रिएक्शन होता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं उसका स्केच जो है वो ड्रॉ करूँगा। सो जो शेडिंग है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं हेयर शेड करूँगा। हेयर से मैं HB पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर शेड करूँगा और फिर उसको ब्रश या फिर कॉटन बर्ड का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा और उसके ऊपर फिर हम 6B या फिर 8B पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर शेड कर सकते हैं। फिर अगर डार्क हेयर है तो उससे भी डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं हम 12B या फिर 10B का भी, और फिर सेम प्रोसेस उसके ऊपर कॉटन बर्ड या फिर ईयरबड से हम ब्लेंड कर देंगे और इरेजर से जो हाईलाइट्स हैं, जो वाइट हेयर्स होते हैं, उनको हम ड्रॉ कर देंगे। हेयर शेड करने के बाद मैंने फोरहेड में लाइट पेंसिल से शेड कर दिया और उसके बाद मैंने ब्रश से हाइलाइट्स क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं आईज़ बिल्कुल पेशेंस के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एकदम रियलिस्टिक लगे। और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करके आईज़ में हाइलाइट्स क्रिएट कर दूंगा ताकि ड्राइंग जो है एकदम रियलिस्टिक निकल के आए और हम जिसका रिएक्शन लेने वाले हैं उसको अच्छी लगे, उसको पसंद आए। अब मैं चीक्स में HB पेंसिल का यूज़ करके शेड कर रहा हूँ एंड उसके बाद ईयरबड या फिर कॉटन बडी का यूज़ करके ब्लेंड कर दूंगा। हर प्रोसेस में चाहे नोज़ बनाओ, हेयर बनाओ या फिर आईज़ बनाओ, ब्लेंडिंग तो हर बार होती ही होती है। एंड मैं जो वीडियो है उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रिम कर रहा हूँ एंड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया मैंने ताकि जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा बोरिंग ना लगे देखने में। अब जो मुस्टैच हैं और जो बियर्ड्स हैं उनमें मैं बिल्कुल आराम आराम से वर्क करूँगा ताकि जो एक एक हेयर है वो क्लियरली दिखे और जो ड्राइंग है वो एकदम निखर के आए। जो मुस्टैच होती हैं और जो बियर्ड्स होती हैं उसी से जो फेस का लुक है वो निकल के आता है, तो बिल्कुल आराम आराम से करूँगा मैं। सो अब बियर्ड्स बची है, मैं उसको भी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लूँगा एंड वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो एक जल्दी से कंप्लीट हो जाए। हमें पहले से पता होता है कि अब नोज़ बनने वाला है, अब आई बनने वाला है, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता हमें जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो देखने में। तो जो हमारा ड्राइंग है वो भी फाइनली कंप्लीट होता जा रहा है, बस जो टी शर्ट है उसमें शेड करना बच रहा है एंड जो फाइनल रिजल्ट है वो आपकी आंखों के सामने है। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको जो स्केच है वो कैसा लगा एंड फिर उसके बाद हम रिएक्शन तो लेंगे जिनका ये स्केच है। तो फाइनली जो स्केच है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब निकलते हैं उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करने। तो सबसे पहले कर लिया मैंने मेरी बाइक स्टार्ट एंड उम्मीद करता हूँ कि जो उसका रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही आए। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका। भाई एक दर्जन केले दे दो, 1 किलो केले दे दो, तोल दो। कितने रुपए हो गए यार? एक सरप्राइज दूंगा, फ्री में मिल जाएंगे। पहले सरप्राइज दिखाओ। अरे कर दे, तेरा डांट तोड़ दूंगा। कैसी बनी है भाई, कैसी लग रही है? अरे तो बहुत अच्छी बनाई है यार, आपने क्या बनाई है? सरप्राइज तो बहुत अच्छा है। तो आप मिल जाएंगे फ्री में? मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे। कैसी लगी आपको ड्राइंग? बहुत अच्छी लगी यार भाई, वीडियो सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सके जितना शेयर करो। चलो भाई, थैंक यू। सो फाइनली रिएक्शन भी देख लिया हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा वीडियो रेगुलर बेसिस पे आए, आप लोगों को मैं अच्छा कॉन्टेंट दे पाऊँ।